नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी अपनी रसोई में। और दोस्तों, आज हम ब्रेड उत्पम बनाएंगे। जो ब्रेड की किनारी हमारी बच जाती हैं, जिनको लोग फेंक देते हैं, आज हम उनको यूज करेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं से हम ब्रेड उत्पम बनाएंगे। तो देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। ये मैंने ब्रेड की कटी हुई किनारी लिए हैं। सब्जियों में मैंने प्याज ली है, हरा धनिया लिया है, टमाटर लिया है, हरी मिर्च ली है, दो हरी मिर्च है, और 2 चम्मच मैंने शिमला मिर्ची ली है। ये सभी सब्जियां मैंने 2-2 चम्मच ली है और इनको बारीक बारीक काट लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ब्रेड कटिंग है, उसको हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने सारे ब्रेड इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही अभी हम आधा डालेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें 2-3 चम्मच हम पानी डाल लेंगे और इसको इसका एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच सूजी डाल लेते हैं और इसको दोबारा और अच्छे से फाइन पेस्ट बनाते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने एक स्मूथ फाइन पेस्ट बना लिया है। अब हम एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हो गया है, मैंने इसको निकाल लिया है। अब हमने जो सब्जियां ली थी, वो सारी सब्जियों को इसमें मिक्स कर देते हैं। सब्जियां मैंने सारी डाल दी हैं। अब हम दोस्तों इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें, और एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। थोड़ा सा एक चुटकी गरम मसाला डाला है मैंने, और थोड़ा सा दोस्तों मैं चाट मसाला डाला है। बस एक चुटकी ज्यादा नहीं डालेंगे। अब इन सभी सब्जियों को इस बैटर में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और 5 मिनट के लिए हम इसको रख देते हैं ताकि हमारा ये बैटर अच्छे से सेट हो जाए। देखिए दोस्तों, बैटर हमारा अच्छे से फूल गया है। अभी मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसको एक बार और अच्छे से मिला लेते हैं। और अब ये कंप्लीट बिल्कुल ठीक बैटर है हमारा। अब चलते हैं बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, तवा हमारा गर्म हो चुका है। इसको हम हल्के से चिकना करेंगे। बस 2 बूंद और लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस बैटर के अपने मन पसंद आकार के, छोटे या बड़े, जैसे आपको पसंद है, आप उस तरह से उत्पम बना सकते हैं। इस तरह से चम्मच की हेल्प से देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चम्मच की हेल्प से एक गोल आकार में मैंने फैला दिए हैं। और अभी हम 2 ही बना रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए इसको सिकने देते हैं। देखिए दोस्तों, हल्का सा एक दो बूंद हम ऊपर से भी इसमें लगा देते हैं ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और इसको पलट देते हैं। देखिए इनका कलर चेंज हो गया है, इसका मतलब ये इस तरफ से हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और इसी तरह से मैं, अभी ये नहीं हुआ है, इसको भी पलट के सेक लेते हैं। देखिए दोनों उत्पम हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी के भी इसी तरह सेक लेते हैं। देखिए दोस्तों, ब्रेड उत्पम हमारे बनके तैयार हैं। मैंने एक ब्रेड पे इस तरह मैंने ग्रेटेड पनीर डाला है। आप ग्रेटेड पनीर डाल के और सॉस लगा के इस तरह से फोल्ड करके आप बच्चों को दे सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है। तो आई होप आप ये वीडियो जरूर देखेंगे, जरूर बना के ट्राई करेंगे, और आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। और थोड़ी सी भी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।